नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3 आर्यस अग्रवाल क्लास 9 मैथ्स का। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि पहले हमें जो स्क्वायर रूट्स है उसको स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना होगा और जो नंबर है उसको नंबर से डिवाइड कर देना होगा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर वन को कैसे करना है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड करना हमें किससे, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। सही है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर्स को स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, रूट्स को रूट से डिवाइड कर देंगे, सो आंसर निकल के आ जाएगा। सो 16 बाय 4 नंबर्स को नंबर से इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, ऐसे डिवाइड करेंगे। सो ये क्या निकल गएगा, 16 बाय 4 क्या हो जाएगा, 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय 2। सो 6 बाय 2 क्या होता है, 3 होता है। सो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 था और स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, तो दैट 6 बाय 2 तुमने कैसे कर दिया। सो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, कोई भी अगर इस फॉर्म में दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पूरा हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं। सो वही हमने किया कि 6 बाय 2 हमने किया और उसके ऊपर जो भी आंसर आया उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। सो 3 आया तो उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, हमें वैसे ही 12 डिवाइडेड बाय 4 कह रहा है। सो 12 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 12 बाय 4 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 करना है। सो ये क्या हो जाएगा, 12 बाय 4 हो जाएगा आपके पास 3 और 15 बाय 3 क्या हो जाएगा, 5, 15 बाय 3 5। सही है। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमें 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो नंबर्स बाय नंबर्स, सो 18 बाय 6 हो जाएगा और स्क्वायर रूट्स बाय स्क्वायर रूट्स, सो 21 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। सही है। इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 21 बाय 7 क्या होता है, 3 होता है और 18 बाय 6 क्या होता है, 3 होता है। सो 4 नंबर को देखते हैं, 4 नंबर है ही नहीं, छोड़ो। सो 3 तक। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।